की समस्या बहुत लोगों को देखी जाती है, बूढ़े तो छोड़िए बहुत यंग लोगों को भी देखी जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, घरेलू कोई उपाय है इससे निजात पाने का? सबसे मुख्य कारण है पाचक अंगनी का कमजोर होना। अग्नि जहाँ कमजोर होगी कफ की प्रवृत्ति बढ़े, कफ की प्रवृत्ति शरीर में आलस बढ़ने के कारण भी होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम करने के कारण होता है। ठंडे चीज़ आइसक्रीम खाना, दही वगैरह का यूज़ करना, इस समय दही वगैरह का यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए, और ठंडे पदार्थ का खाना, खट्टा खट्टा चीज़ खाने का प्रवृत्ति कम रखना चाहिए, और पेट को आप साफ रखें, पाचन अग्नि को मतलब अच्छा रखें, मतलब भूख लगना चाहिए, भूख नहीं लग रहा है तब कटा हुआ नींबू रखें, उसमें थोड़ा सा गोल मिर्च डाल दें, काला नमक डाल दें, थोड़ा गैस पर सेक लें, उसको चूसते रहें, उससे पाचन अग्नि प्रदीप्त होगी। थोड़ा सौंफ का इस्तेमाल करें, थोड़ा अजवाइन का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी पाचन अग्नि ठीक रहेगी, कफ की प्रवृत्ति बनेगी, आपकी कम हो जाएगी कफ बनने की प्रवृत्ति। दूसरा है कि आप शीतोपलादि के चूर्ण का मधु के साथ जाड़ा में आप सेवन कर सकते हैं, बरसात में सेवन कर सकते हैं। ये केवल कफ की समस्या को दूर नहीं करता, आपके हड्डी को भी मजबूत करता है। आप बच्चों को जरूर लेना चाहिए, ये संपूर्ण पौष्टिक मतलब आयुर्वेदिक औषधि भी है। ये हर कोई कर सकता है, हर कोई खा सकता है, हर वर्ग के लोग ऐसा कुछ खा सकते हैं, लेकिन शुगर की समस्या उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मधु के साथ में वो घी के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। ओके, कितने दिनों में असर दिखने लगे? जो वाकई में कफ से बहुत ग्रसित है तो एक सप्ताह में बहुत अच्छा है, मतलब समस्या आपको बहुत हद तक आराम हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी होता है, बहुत जल्दी जल्दी, एक बार छींकना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है। रात में उनको सबसे पहले क्या है, गर्म सरसों तेल नाक में हथेली में थोड़ा सा सर पर लगा के सोएंगे तो सर्दी की समस्या कम हो जाएगी। ये हर दिन करना है? हाँ, हर दिन करना, तीन चार बार बढ़िया सरसों तेल रख ले, चाहे अनु तेल रख ले, षडबिंदु तेल रख ले, उसको नाक में बार बार इनहेल करते रहे तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और तेज पंखा की हवा के झोंका में नहीं बैठे, ठंडा पानी ना ले, एसी में नहीं सोए, इससे बचेंगे तो ठीक है।